हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले लड़का होने की सारे सिम्टम के बारे में एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग का जो कमेंट है वो मैं आज पूरा करने वाली हूं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उन सारे सिम्टम के बारे में जो कि लड़का होने पर सारे महिलाओं में दिखाई देता है, और पूरी जो सिम्टम में हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हमारे सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम अगर हम आपको बताऊं तो दोस्तों, हम सर से ही बात कर लेते हैं, सर से लेकर पैर तक सारे सिम्टम के बारे में, तो क्लियरली आपको पता लग जाएगा और आपको पता हो जाएगा। तो सबसे पहला सिम्टम है दोस्तों, बाल का बहुत अच्छा ग्रोथ होना। दूसरा सिम्टम के बारे में बात करें, मैं हल्का हल्का सर में दर्द रहना, अपर लिप में छोटे छोटे बाल आ जाना, चेहरे में बाल आ जाना, चेहरा काला पड़ जाना। साथ ही साथ अभी हम बात करते हैं कि चेस्ट में क्या बदलाव आते हैं, यानी कि ब्रेस्ट में क्या क्या बदलाव आता है। दोस्तों, ब्रेस्ट में आपका ब्रेस्ट काला पड़ जाना, कड़क हो जाना, खुजली आना, अक्सर खुजला आना, और बहुत ज़्यादा काला हो जाता है अगर आपने लड़का कंसीव किया तो आपका ब्रेस्ट। निप्पल भी काला हो जाता है, साथ ही साथ निप्पल से हल्का हल्का दूध आता है, निप्पल में बहुत ज़्यादा खुजली होता है। अगला सिम्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है आपके पेट में क्या क्या बदलाव आता है। पेट में क्या बदलाव आता है दोस्तों, पेट का जो आकार है वो अंडाकार हो जाता है, नीचे की ओर झुका हुआ रहता है, नाभि लाइन सीधा रहता है, नाभि काला हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो जाता है, और जो बच्चे का मूवमेंट है वो नीचे की ओर फील होता है। अगला सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं कि पीठ में, यानी कि जो पीठ है आपको, वहाँ पे क्या क्या बदलाव होता है। रीढ़ की हड्डी में हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा दर्द रहना, नीचे वाले लोअर एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बैक साइड में लोअर एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होना आपकी। अगला जो सिम्टम है दोस्तों, वो है दोस्तों, अक्सर जो आपकी जो वजाइना है, आपका जो प्राइवेट पार्ट में, आपको वहाँ पर दर्द दिखाई देता है। कुल्ले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, प्राइवेट पार्ट में हल्का हल्का जो हेयर है बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होना, वाइट डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा जाना, खुजली होना, बच्चे का दबाव नीचे की ओर फील होना, बार बार यूरिन का समस्या आना, पेट बहुत बार कड़क हो जाता है महिलाओं का, क्योंकि नीचे की ओर में बहुत ज़्यादा पेट कड़क हो जाता है, और पेट में बच्चे का मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी फील होता है, कभी कभार बहुत लेट लेट फील होता है। तो ये भी बेबी बॉय होने का सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों, वो है कि थाइस में दर्द होना, मांडी जिसको बोलते हैं, थाइस में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पैर बहुत ज़्यादा बाल आ जाना, पैर में, हाथ पैर में, पूरी बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा बाल आ जाता है अगर आपने बेबी बॉय का किया है तो। और साथ ही साथ आपकी जो पैर है बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है तलवा, और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा सूजन दिखाई देता है, हमेशा हल्का हल्का पसीना आता रहता है। और साथ ही साथ टेस्ट में क्या बदलाव आता है दोस्तों, आपको खट्टे मीठे सारे चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता है, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो। तो दोस्तों, ये जो सारा सिम्टम है इससे आप इजिली घर बैठे पता कर सकते हैं, और ये छोटी सी वीडियो में मैंने सारा लगभग आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। बहुत एसिडिटी होना, और ये छठे महीने से स्टार्ट होता है, बच्चे का मूवमेंट जैसे कि पाँचवें महीने में एंडिंग में, छठे महीने की स्टार्टिंग में अगर आपको फील होता है तो भी ये लड़का होने का सिम्टम है। तो दोस्तों, इन सिम्टम से आप इजीली घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। छोटी सी वीडियो में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, सारा सिम्टम बता दिया है, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।